हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस इंटेलिजेंस टॉपिक के ऊपर। 90 क्वेश्चंस आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस में यहां पर आपकी थ्योरीज भी कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे हॉवर्ड गार्डनर है, स्पीयरमैन के द्वारा है, स्टर्नबर्ग की टायर की एक थ्योरी है। इन सब के बारे में आज हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आए, और पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अभी तक जितने भी एमपीटेट के एग्जाम्स हो गए हैं 5 मार्च से लेकर, अगर आप उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करके मैं भी शिक्षक वाला ऑप्शन पर क्लिक करके 50% डिस्काउंट पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। वहां पर आपको एक ही जगह सभी प्रकार के क्वेश्चंस का एनालिसिस मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका एग्जाम अब आने वाला है 12 मार्च, 15 मार्च, 20, 25, जब भी आपका एग्जाम आने वाला है उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ईवीएस से कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैथ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको इन सबका पैटर्न पता लग जाएगा। 50% डिस्काउंट पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो आप लोग बताएं ये कथन किसका है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए और आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। बिल्कुल क्रो एंड क्रोज का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से कोशिश की जाएगी कि आप लोग को आंसर्स ना देखें, और आप लोग बताते भी हैं कि मैम आप लोग ना हाइड कर लिया करो आंसर्स को। तो देखो अब पढ़िए अब क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। सृजनशील मतलब यहां पर क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिएटिविटी बोला जाता है। तो कौन देगा अधिक स्वतंत्रता? क्रिएटिविटी मतलब जहां पर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, तो ये सृजनशीलतावाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ये आपका DSSSB का क्वेश्चन है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए सब चीजें होती है, क्रिएटिविटी उनमें आ पाए इस वजह से ये सब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का जो अर्थ प्रदान किया गया है, आप पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब जो डायरेक्ट आपका नॉलेज है या फिर कल्पना है, इमेजनरी चीज है। तो पूर्व के अनुभव के आधार पर हो रहा है मतलब वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर कोई नहीं। अपसारी चिंतन मतलब डायवर्जेंट थिंकिंग। डायवर्जेंट थिंकिंग का यूज क्यों किया जाता है या किसके सिनोनिम में किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? क्रिएटिविटी के। ठीक है, चलिए तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या फिर नवीन ज्ञान की खोज। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अपरिवर्तनशीलता मतलब आप कुछ नया ही नहीं बना रहे हो, कोई चेंज ही नहीं करो। क्रिएटिविटी में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकते हो, अलग अलग माध्यमों से सोचते हो, चीजों को नया बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन अपरिवर्तनशीलता मतलब आप कुछ भी चीज नई नहीं बना रहे हो, दैट इज अपरिवर्तनशीलता। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो उसका आंसर जल्दी से कर दीजिए, क्या होगा? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी, क्रिएटिविटी किन चीजों से बढ़ेगी, बताओ। सीमित अवसर कर दो, उत्तर याद रखने के लिए कह दो, समस्या का समाधान बता दो, या फिर बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज दो। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज देंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से चीजें सीख पाएगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये सेशन आप लोग के सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट और DSSB जैसे सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन और अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, अंतर्दृष्टि, उद्भवन, प्रदीप्ति या फिर सत्यापन, मतलब वही क्रिएटिविटी बात आ रही, मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, उद्भवन कुछ निर्माण कर रहे हो, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये रिपीट हो चुका है, किसने कहा है, चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, कोई DSSB में पूछा गया था तो वो आपका यूपीटेट में पूछ लिया, कोई यूपीटेट में पूछा गया था तो सीटेट रीट में पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्रो एंड क्रो विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी है अभिसारी, अपसारी, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी, मतलब डायवर्जेंट, कन्वर्जेंट। तो हम सभी को पता है डायवर्जेंट थिंकर जो होता है वो आपका क्रिएटिव होता है, मतलब अब वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, प्रभाव, उपयोगिता, मौलिकता, ये है, लेकिन मितव्ययिता, मतलब सभी को पता है भाई मितव्ययी, तो वो नहीं होगा, वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सुकता परीक्षण, निम्न में से किसका गठन है सृजनात्मकता, मतलब बिल्कुल सही बात है, आप क्यूरियस हैं किसी चीज को सीखने के लिए, मतलब आप क्रिएटिविटी पर जोर दे रहे हैं, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये देखिए कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब जो आपके कंसेप्ट है उनको डेवलप करने के लिए आप क्या यूज करोगे, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना प्रत्ययों को, कि भाई बिना कॉन्टेक्स्ट के तो कैसे समझोगे, तो ये गलत हो गया। याद रखने के लिए कहकर रोट मेमोराइजेशन कभी भी सही आंसर नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया। बहुत से उदाहरण दो, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करो, बिल्कुल सही। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना तो ऐसा नहीं, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो वैसे भी कभी किसी चीज का सही आंसर हो ही नहीं सकते, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सृजनात्मकता है क्या, क्रिएटिविटी है क्या, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है, तो एक प्रकार तो नहीं कि मतलब संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करे, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अधिक निर्भर करे, समस्याओं के मौलिक और अपसारी, बिल्कुल आप डायवर्जेंट थिंकिंग यूज करो, जहां पर तैयार उस चीज के लिए हो, अलग अलग डायरेक्शंस में सोच सको, वो आपकी क्रिएटिविटी है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित करा, इनमें से क्या नहीं है, तो स्थान संबंधी है बिल्कुल, भावनात्मकता नहीं है, इमोशनल यहां पर इन्होंने कोई भी ऐसा यूज नहीं करा, तो बी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना या फिर अच्छे अंकों पर, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना, तो ये बिल्कुल यहां पर सही बैठेगा कि आप शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता को पोषित कैसे कर सकते हो, तो वो आप ऐसे करोगे कि आप जो उनकी अंतर्जात प्रतिभाएं हैं, मतलब जो इनहेरिट जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके टैलेंट्स हैं, उनको आप पोषित कर पाओ, ठीक है। चलिए वी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा दिए जा सकने वाले विविध रूपों सृजनात्मकता शामिल है, तो ये किसका है? तो ये आपको पता होगा, हमने जब ट्रायक्रिक थ्योरी के बारे में बात की थी, ट्रायक्रिक किसके द्वारा दी गई? स्टर्नबर्ग के द्वारा। उसमें स्केप से याद रखवाया था क्रिएटिव, फिर आपको याद रखवाया था एनालिटिकल, फिर आपको याद रखवाया था प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखो सृजनात्मकता बुद्धि दी है ना, तो यहाँ पर ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो ये किसका हो जाएगा? स्टर्नबर्ग का ट्रायक्रिक थ्योरी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सृजनात्मक जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब वही कि आप किसी का जो कोई व्यक्ति है उसको एज अ मॉडल आप देखते हो और फिर उसका इमिटेशन करते हो, अनुकरण। ये कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी तो जो आप खुद से बनाते हो, जहां पर आप अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करते हो। और ऑप्शंस देख लेते हैं। और ऑप्शंस हैं अभिसारी तो नहीं होगा, अपसारी, बिल्कुल जहां पर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करते हो। देखो अब ये DSSB में भी पूछा गया और CTET में भी पूछा गया, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया बताया? बिल्कुल केटल के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं? एक तत्व है, द्वितत्व है, बहुतत्व है, मतलब यूनिफैक्टर है, टू फैक्टर है, मल्टी फैक्टर है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे, सृजनशीलता में, विश्लेषण करने में, अध्ययन या फिर अच्छे अंक पाने में। तो ये आवश्यक नहीं कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं वो सृजनशील बालक हों। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपसे UPTET में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो बच्चा जिसका जो IQ है वो अगर हाई है तो जरूरी नहीं कि वो बच्चा क्रिएटिव हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सभी। तो धनात्मक, पॉजिटिव एक एस्पेक्ट निकल कर आता है जब भी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की बात होती है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी। ये देखो फिर से रिपीट हो गया, ये DSSB में पूछा गया था, अब आपसे CTET में भी पूछा गया है। विज्ञान कला प्रदर्शनियां, संगीत नृत्य प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालना, ये बच्चों को क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिविटी का मार्ग उपलब्ध कराती है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए कौन से क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए पता नहीं, तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरण, प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल सही बात है, मल्टी डायमेंशनल है, इसको अलग अलग वे में यूज किया जा सकता है, इसके कहीं पहलू है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, बिल्कुल ठीक बात है कि जब वो क्रिएटिविटी है, मतलब जो उसकी अंतर्जात प्रतिभाएं हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था, ये DSSB में आया था और CTET 2011 में भी आ गया, तो ये आपको सभी एग्जाम के लिए जो बुक है वो सभी एग्जाम के लिए आपको, ये जो सीरीज है, ये पूरी प्लेलिस्ट है CDP प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अवधारणाओं का विकास, मतलब जो कंसेप्ट वाली बात है, वो किससे रिलेटेड है? फिजिकल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट से, या फिर इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से? कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं? आपके माइंड में बनते हैं, आपके ब्रेन में बनते हैं। ब्रेन से रिलेटेड क्या होता है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास जिसे बोला जाता है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है तार्किक गणितीय बुद्धि। अब यहां पर देखो पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, तो ये आप सभी को पता है नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित है। बॉटनिस्ट वगैरह इसके अंतर्गत आएंगे, फार्मर वगैरह इस इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाएं जैसे पराघटक, ये वही चीज आ गई, क्रिएटिविटी, स्टर्न बग का। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होकर चलना है कि कौन से क्वेश्चन कब एज इट इज दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाए ना। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद करती है, व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान है, बुद्धि में विद्यमान है केवल जो केवल, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आलोचना पूछी गई थी, है ना, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। डैश के अतिरिक्त तो बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने देखो क्रिएटिव बताया है, एनालिटिकल बताया है, प्रैक्टिकल बताया है। प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रक्चुअल बोलते हैं, एनालिटिकल को कॉम्पोनेंशियल बोलते हैं, और क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल बोलते हैं। तो ये तीनों आ गए संदर्भगत, कॉन्स्ट्रक्चुअल, अव्यभूव आपके एनालिटिकल, और आनुभाविक आपके एक्सपीरियंशियल। लेकिन सोशल कहीं भी स्टर्नबर्ग ने बात नहीं कही है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? आप ऑप्शंस देखें। शिक्षार्थियों में जो अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, तो किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? विलक्षण योग्यता पर। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण। बिल्कुल ठीक बात है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। अब क्यों नहीं माना जा सकता? तो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न जो बुद्धियां हैं, मतलब जो डिफरेंट इंटेलिजेंस है, उनका मापन संभव नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में आप डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन नहीं कर सकते, ये इसका, इस वजह से इसको वैध नहीं माना जाता। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है, शोध धारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक ही क्षेत्र में करें, वो मल्टी प्लेसेस में उस चीज को शो कर सकते हैं। तो यहां पर संबंध नहीं है, इस वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो जहां पर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, इमोशनल मतलब जहां पर आप खुद को समझ सकते हो, दूसरों के भाव को समझ सकते हो, तो वो आपकी किस में आ जाएगी? इंट्रा और इंटर में। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट। पायलट बनने के लिए आपको स्पेशल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, गतिक इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर आपको स्पेस, जगह देखनी होती है। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी क्या है? तो बताएं आप लोग, आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, वैश्विक बुद्धि, या फिर सामान्य बुद्धि। तो ये बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और ये ध्यान रखिए DSSSB और CTET में पूछा गया। तो जी फैक्टर जो होता है वो आपका सामान्य बुद्धि होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो बिल्कुल सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है, मतलब इंट्रा वाली बात आ रही है, इंट्रा पर्सनल, जब आप खुद को समझते हैं, अंतः व्यक्तित्व, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्री मतलब ट्रैक एक थ्योरी बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये आपका त्रितंत्री में नहीं आएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब एडजस्ट कर पा रहे हैं आप पर्यावरण के साथ, अनुकूल करना एडेप्टेट एडेप्शन कर लेना, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, मतलब आप उस चीज में ढल गए हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अपने केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करें, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल है, भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये केटल के द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं, इसलिए ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन के अनुसार भाई स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब तर्क करने और समस्या समाधान करने की जो है वो सामान्य बुद्धि है, जी फैक्टर से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट है संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है, संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट वाली जो बात है वो प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए सी विल बी द इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। संज्ञान किस बुद्धि से संबंधित, किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान, प्रतिदर्श, समूह कारक, गिलफर्ड या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो गिलफर्ड के सिद्धांत में ये चीज आती है, तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर हो गया कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्वि कारक का प्रतिपादन किसने किया, तो देखो इसी में हमको आंसर मिल गया, स्पीयरमैन, ये मैंने अभी बताया था, यूनिफैक्टर आपके अल्फ्रेड बिने और स्पीयरमैन आपके टू फैक्टर वाले कारक या टू फैक्टर थ्योरी में आपके आ जाएंगे। द्वि कारक सिद्धांत ये भाई स्पीयरमैन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तार्किक गणितीय बुद्धि, तो ये आपके किससे रिलेटेड है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में दी है। दो कारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आया, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। सृजनात्मकता से संबंधित हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू डायवर्जेंट थिंकिंग है ना। चलिए फिर है कि कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत की व्यवहारिक बुद्धि का, तो ये केवल अपने विषय में, ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये किससे रिलेटेड है, ये आपका डायवर्जन थिंकिंग से है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोच सकते हैं। कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, स्वर राग ये आपका म्यूजिकल है, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता ये आपका इंटर में आ जाएगा कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तर्क वाले बात आपका लॉजिकल से रिलेटेड है, शब्दों का अर्थ क्रम भाषा के विविध प्रयोगों का लिंग्विस्टिक है, जो आपके पोइट आपके लेखक आपके एडवोकेट जिन पर जिनकी शब्दों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। और फिर है आपका अंतरा व्यक्तिक, ये आपका आ जाएगा कि इंटर मतलब दो व्यक्तियों को, दूसरे व्यक्ति को आप समझ पा रहे हैं, स्वयं की मतलब इंट्रा, दूसरों को अभिप्रेरित नहीं, दूसरे व्यक्तियों को समझ पाना, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल आपका इंटर कहलाता है, ध्यान रखना। और इंट्रा जो होता है वो खुद को समझने के लिए होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि अभी हमने डिस्कस करा, मतलब जो आप खुद को और दूसरों को समझ पाए, मतलब इंट्रा और इंटर ये ध्यान रखना, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्वनि संबंधी जागरूकता प्रदर्शित करने में ध्वनि उस चीज को संबंधी जागरूकता आपको प्रदर्शित करनी है, तो ये क्या होगा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, बिल्कुल ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्टर्नबर्ग का, तो स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप बताना है, तो व्यवहारिक बुद्धि इनसे बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि आप याद रखो क्रिएटिव एनालिटिकल प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल संदर्भ रहे। ठीक है, चलिए ये आप नाम याद रख सकते हैं, संदर्भगत, अनुभवजन्य और घटक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, तो बताएं क्या होगा कि ये जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता दिखाते हैं,
संबंध नहीं पूछा गया था, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट क्योंकि नहीं पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त तो बताना है, बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। अब चूंकि सर्वाधिक उपयुक्त तो पूछा है, बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, इसके कई पहलू निहित है। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सृजनात्मकता क्या है, चलिए बताइए, ऑप्शंस पढ़िए। बिल्कुल, जहां पर अपसारी समाधान दिख गए, डायवर्जेंट आप उसका यूज कर पा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, और वही आपकी क्रिएटिविटी शो करती है कि आप कितने डायरेक्शंस में चीजें सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया मधुर संगीत, संगीत मतलब यहां पर संगीत में म्यूजिकल इंटेलिजेंस की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए एक वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है, तो वो क्या यूज कर रही है? गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बात की हुई। अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, चैनल पर अपलोडेड है, सीडीपी फुल कोर्स में आप लोग को मिल जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था, निम्नलिखित में से बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? मतलब कुल मिला के आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस जो व्यक्ति में शारीरिक भी हो और गतिक बुद्धि भी हो। तो कवि, वाचक और राजनैतिक नेता। तो राजनैतिक नेता में आपकी इंटरपर्सनल बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो दूसरे के विचारों को बहुत अच्छे से जानकर वो बात कहते हैं जो व्यक्ति सुनना चाहता है, ठीक है। कवि और वाचक में आपके लिंग्विस्टिक वाली बहुत अच्छी होती है। शल्य चिकित्सक में क्या होता है, जो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। इस वजह से शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले शल्य चिकित्सक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय, मतलब एक्सेप्ट वाली बात है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत में ये है कि एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए यहां पर ऐसा सच कोई बात नहीं की गई है, इस वजह से बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या दिया है कि हॉवर्ड गार्डनर का हमको मिलाना है, तो स्पेशियल देखते हैं, स्पेशियल किसमें अच्छी होती है, स्पेशियल इंटेलिजेंस किसमें अच्छी होती है? मूर्तिकार में, ठीक है। तो डी का फिफ्थ, तो सी ऑप्शन ही यहां पर देखो, फाइव चूंकि दो में है, ए में भी है और इसमें भी है। और देख लेते हैं संगीत किसमें अच्छी होगी, वायलिन में, तो फोर, ए का फोर और डी का फाइव किसमें, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। काइनेस्थेटिक किसमें अच्छी होगी, खिलाड़ी वगैरह में। चलिए नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो सुझाता है, क्या सुझाता है? कि बुद्धि को केवल एक बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए, बहुविधियों के एक रूपरेखा, बिल्कुल ठीक बात है, अलग अलग आप मेथड यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं कि एक ही बच्चे को आठ अलग अलग विधियों से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, बिने ने दिया, तो देखो ए का सेकंड यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं, आप यहां पर मैच कर सकते हैं। यहां पर क्या दिया, एक तत्व का सिद्धांत बिने हो जाएगा, बहु तत्व का सिद्धांत ध्यान रखना मल्टी फैक्टर की बात आएगी तो थॉर्नडाइक, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस बात आएगी तो हॉवर्ड गार्डनर, समूह तत्व ग्रुप फैक्टर आएगी तो थर्स्टन, इसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहा जाता है, त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल मॉडल आपका गिलफर्ड। तो इस तरीके से आप यहां पर देख लीजिएगा, ये ऑप्शन यहां पर गलत दे दिए गए हैं।
अंतर वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य बताना है तो अंतर वैयक्तिक जहां पर आप स्वयं की क्षमताओं, स्वयं की जो कमजोरियां हैं उनको अच्छे से, मतलब इंट्रा की बात हो रही, इंटर मतलब जहां पर आप दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ सकें। बुद्धि का एकल घटक भाई किसने दिया, तो अल्फ्रेड बेने के द्वारा दिया गया है। फिर इसके बाद है कि किसने कहा ये स्टेटमेंट, किसने कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नए विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो ये देखो फैक्ट बेस्ड है। अब एमपीटेट 2011 में ये पूछा गया था। स्किनर का ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं, जितना तो आप याद रख लीजिएगा। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है तो मौलिकता है, धारा प्रवाहता है, लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लुएंसी है, लेकिन अनुशासन है सच सृजनशीलता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बुद्धि के द्विखंड तो स्पीयरमैन जी और एस फैक्ट बताए, हॉवर्ड गार्डनर ने डैश को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए, तो इंटर लिंग्विस्टिक बताए लेकिन क्रिएटिविटी की बात नहीं बताई है। ये आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इन्होंने इसमें बात की है। बुद्धि के बहु कारक मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है तो नवीन ज्ञान की खोज है, मौलिकता उत्पादकता है लेकिन अपरिवर्तनशीलता नहीं, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान होती है कि आप नवीन परिणाम निकालें, अलग अलग खोज करें। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो खेल, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी, लेकिन भाषण एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि अंत वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरों के अंतर मन की इच्छाओं को समझना, दूसरे के मूड को भांपना, दूसरे के विचारों को या फिर मिलते जुलते संवेगों या उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना। यहां पर चूंकि तीनों ऑप्शन में दूसरे दूसरे दिए थे तो यहां पर आपको खुद से ही संबंधित चीजें देखनी है, इस वजह से यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने खुद का नहीं दिया बट आप खुद से समझ सकते हैं कि यहाँ तीनों ऑप्शन में दूसरे व्यक्ति के बारे में बात है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित या फिर कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित, तो ये सृजनशीलता पानी है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कार्य और लक्ष्य दोनों ही होना चाहिए। आप लोग लाइव चैट में बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक और उपयोगी धारणा है, मतलब आप कुछ रचना कर रहे हैं तो रचनात्मकता। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य और जी और एस ऐसे है, तो स्पीयरमैन के द्वारा ये दिया गया है। फिर है कौन मूर्त वाचक धारणा, मूर्त मतलब जो चीजें समक्ष होती हैं। अब चूंकि नहीं दिया गया है तो बल आप चीजें लगाते हो, कुर्सी आप देख सकते हो, बल को भी एज सच हम ये नहीं कर सकते, देख तो नहीं सकते लेकिन हाँ चूंकि फोर्स लग रहा है तो हमें पता है कि हम इतना फोर्स लगा रहे हैं, गति देखी जा सकती है। लेकिन एबिलिटी, वो व्यक्ति में एबिलिटी है, इस चीज को केवल आंका जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए सृजनात्मकता की विशेषता है तो मौलिकता भी है, प्रभाशीलता भी है, लचीलापन भी है और उपरोक्त सभी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। स्वयं की भावना तथा संवेग, अब स्वयं की बात आ गई मतलब क्या होगा, अंतः वैयक्तिक होगा। आरबी कैटल के द्वारा क्या बताया गया, फ्लूड मोज़ेक मॉडल दिया गया। फ्लूड इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड होती है, हेरिडिटी से, तो इनडायरेक्टली किससे हो गया, वंशानुगत कारकों से, ऐसे आप थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्लूड पूछा गया था ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्रिस्टलाइज होता तो आपका पर्यावरण से संबंधित हो जाता। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है, तो भाई सततता, मौलिकता, लचीलापन और विस्तारण। तो यहां पर सततता दिया हुआ है, हालांकि सततता भी अच्छी चीज है, कंटिन्यूटी अगर आप किसी चीज में बता रहे हो, लेकिन कंटिन्यूटी अगर आप इस एस्पेक्ट में देखो कि केवल वही वही चीज कंटिन्यूस चल रही है तो फिर सृजनात्मकता नहीं आएगी। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन सदैव कैसा होता है, तो भाई डाइवर्जेंट होता है, रचनात्मक होता है, अपसारी होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। अगर बहुतत्व आ जाता तो थॉर्नडाइक आ जाता। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है, तो सृजनात्मकता और बुद्धि सदैव एक साथ चलते हैं, लचीलापन है, सार्वभौमिक, लेकिन अहम का समावेश ऐसा
बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अहम का समावेश नहीं होता, सही नहीं है। तो किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल ठीक। पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, बिल्कुल ठीक। समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन चिंतन आवश्यक नहीं है, ऐसा तो नहीं है भैया। आप क्रिएटिविटी, जब दिमाग यूज करो तो कुछ थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या तर्क तो लगाओगे ना। और आज के लिए लास्ट है, जैसा हम लोगों ने बोला था 90 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इंटेलिजेंस से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का है कि मौलिकता, नवनीयता, ये किससे? तो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो गाइज एक ही सेशन में हम लोगों ने आज पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो सीरीज है, 5000 क्वेश्चन की सीरीज, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।